हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, वो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपकी जो है 20 मार्क्स की वर्कशीट रहेगी। सो इस वर्कशीट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। क्या दिया गया है? दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट। असेसमेंट वर्कशीट है ये, बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स। जो प्रीवियस वीक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड ये वर्कशीट है। इट कंटेन्स 13 क्वेश्चंस। इसमें 13 क्वेश्चंस है टोटल। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कैरी 1 मार्क ईच। 1 to 6 के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो जो है 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 to 13 कैरी 2 मार्क ईच। ओके, अब देखिए आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं। तो आपको पहले तो 6 तक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। एंड 7 to 13 आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? ही टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब आई है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? दैट ही वॉज, ठीक है, ही वॉज, इसको पास्ट टेंस में लेकर जाएंगे, ही वॉज नॉट फीलिंग, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, ठीक है, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। टूडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड दिया गया है, आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। सो क्या होगा इसमें? आई सेड दैट आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, पास्ट टेंस में हो जाएगा, आई सेड दैट आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सुहानी सेड टू हर मदर आई लर्नड मैनी न्यू थ्योरीज टूडे, ठीक है। सो क्या रहेगा? सुहानी टोल्ड टू हर मदर दैट, अब आई है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? दैट शी, ठीक है, शी हैड लर्नड मैनी न्यू थ्योरीज दैट डे। टूडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ही सेड टू मी आई वॉज ऑब्जर्विंग यू एट द पार्टी। तो सेड टू क्या आ जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन ऑब्जर्विंग मी एट द पार्टी, ठीक है, ही हैड बीन ऑब्जर्विंग मी एट द पार्टी। तो पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सानिया सेज आई एम लीविंग टूडे। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है, तो क्या रहेगा? सानिया सेज दैट शी इज लीविंग टूडे, ठीक है, ये प्रेजेंट में ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी प्रेजेंट में है। सो सानिया सेज दैट शी इज लीविंग टूडे, क्लियर आई एम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हेमंत सैट आई बॉट अ पेन यस्टरडे। तो हेमंत टोल्ड दैट ही हैड, आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही आ जाएगा, ही हैड बॉट अ पेन द प्रीवियस डे। यस्टरडे की जगह क्या हो जाता है? द प्रीवियस डे हम यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन इट रेन्स, ठीक है, पोएट जो है क्या करना चाहता है? व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई ऑन बेड इन अ कॉटेज एंड लिसन टू पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। अपना जो कॉटेज है उसमें लेट के और जो साउंड आ रही है पिटर पैटर, उसको सुनना चाहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द पोएट हर्ड। कि जो रेन ड्रॉप्स की साउंड है, टिंकल है, उसका पोएट का जो हार्ट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? तो हमने जो बच्चों वर्कशीट की थी तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स इको इन द हार्ट ऑफ द पोएट एज इफ हिज हार्ट बीट रिस्पोंड टू एवरी साउंड ऑफ द रेन बाय इट्स रिदम। तो जो रेन ड्रॉप की इको है उसको कैसा लगता है कि उसकी जो हार्ट बीट है वो हर एक जो साउंड है रेन की उससे रिदम करती हुई क्या कर रही है? उसकी हार्ट बीट जो है वो चल रही है, वो रिस्पोंड कर रही है। मोर ओवर मैनी मेमरीज कम्स इन द पोएट्स माइंड ड्यू टू रेन, ठीक है,
रेन के कारण जो है जो उसकी मेमोरीज हैं वो भी वो जो है उसकी यादें वो तरोताज़ा हो रही हैं। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। क्या सेंट्रल आइडिया है पोएम का जो रेन ऑन द रूफ है। सो आंसर रहेगा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ इज़ टू अप्रिशिएट द हीलिंग पावर ऑफ रेन। ठीक है, कि जो रेन है उसकी क्या है कि उसके अंदर क्या है कि हीलिंग पावर है, उससे जो पोएट है उसको अपनी मेमोरीज याद आती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज द फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड फॉर द लिटिल गर्ल। सो टू द लिटिल गर्ल हर फादर वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो जो लिटिल गर्ल है वो अपना जो फादर है उसको क्या करती है, अवॉइड करती है और उससे डरती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वॉज केजिया's फादर रूटीन बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले केजिया के फादर का क्या रूटीन है। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजिया फादर यूजुअली वेंट इन टू हर रूम। तो केजिया के फादर जो उसके रूम में जाते हैं टू गिव हर अ कैजुअल किस, उसको एक कैजुअल किस जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये जो है उनका क्या है, एक रूटीन है। वैसे वो अपने फादर से बहुत डरती है, ठीक है, और जैसे जैसे उसके फादर चले जाते हैं तो वो बहुत खुश होती है कि उसके फादर जॉब पर जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई वाज केजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया जो है वो अपने फादर से क्यों डरती है। आंसर क्या लिखेंगे, केजिया वाज एफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर। उसके फादर का बच्चों बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, इसके कारण वो उनके पास जाने से डरती थी। ठीक है, उनके जब वो आते थे तो वो जो है उनसे दूर ही रहती थी, तो इसीलिए वो अपने फादर से डरती थी क्योंकि वो उसके साथ खेलते भी नहीं थे, उससे जो है वो खुश होकर जो है एक तरह से आप कह सकते हो जैसे बच्चों से बच्चों की तरह बातें होती है ना, ऐसे वो नहीं करते थे, इसीलिए वो अपने फादर से डरती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू प्रेजेंट ए गिफ्ट टू हर फादर। किस ओकेजन पर उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने केजिया को अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए बोला। सो आंसर रहेगा शी आस्क्ड केजिया टू प्रेजेंट ए गिफ्ट टू हर फादर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। तो उसके फादर का क्या था बच्चों, बर्थडे था, और उसकी बर्थडे के ओकेजन पे उसकी जो मदर है ग्रैंड मदर है उन्होंने उसको गिफ्ट देने के लिए बोला था। ठीक है, तो इसके लिए उसने जो है उनके उसके फादर के इम्पोर्टेंट पेपर्स उनको क्या कर दिया था, ख़राब कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। क्लियर है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।